ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयल अज़ीम, औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून ولا يحسين معه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتداب الصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إلهي العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين। चल बात पढ़ी है मोहम्मद हजान ग्रामी। सूरह अंबिया की 73 नंबर की आयत में इरशाद हो रहा है, हमने इन्हें अमाम बनाया, वहीना इलैहिम फ़ेलल खैरात, और हमने वही की इन पर नेक काम की, वही काम सलाती वही ताज ज़कात, और हमने इन पर वही की नमाज कायम करने और ज़कात देने की, वकानूलना आबिदीन, और ये हमारे इबादत गुजार बंदे थे। इसी आयत करीमा के ज़ैल में मारिफत अइमा के उन्वान से जो आप ये मजलिस से सुन रहे हैं, उसके आज की गुफ्तगू में चंद बातें आपके सामने अर्ज करना है। अगर आप ने मुलाहजा किया है कि कल मैंने आपके सामने ये अर्ज़ किया कि आप और मैं इस बात को महसूस करें कि खुदावंद आलम ने इमामों को वाजिब ताह बनाया, उनकी इताअत वाजिब की, और फिर इसी जगह से कहा कि वाजिब ताह का मतलब ये होता है कि इस कायनात में इमाम का अख्तियार सब पर चलता है, कोई ऐसा नहीं है जो इमाम के दायरे अख्तियार से बाहर हो, कोई नहीं। अब इस दायरे अख्तियार में सबको अल्लाह ने मजबूर बनाया सिवाय हजरत इंसान के, सिर्फ इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने मानो या ना मानो, ये बात कल गुजर चुकी है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अल्लाह कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब कायनात का है,
लेकिन मानना और ना मानना सानियो को भी छोड़ दिया। आज मानने वाले भी हैं और ना मानने वाले भी हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने रसालत को करार दिया, आप ये मारसल्ला कहला काफतन लिन्नास, ऐ मेरे हबीब आपको हमने हर एक इंसान के लिए भेजा। खूब उसमें भी यही है, मानो या ना मानो। और जब इमामत की बात आई तो बिल्कुल इसी तरह कहा, वजअलनाहुम अइमतन, हमने इन्हें इमाम बनाया। अब जब इमाम बनाया तो यहदून बिअमरना, और इस हिदायत में एक बात पोशीदा है कि जिसको अल्लाह हादी बनाएगा उसकी इताअत ज़रूर वाजिब करेगा, इसलिए कि इताअत वाजिब के बगैर हिदायत का तसव्वुर नहीं। हिदायत उसी वक्त मिल सकती है जब हादी वाजिब ताअ हो, वरना उसका तसव्वुर ही नहीं है कि आप वो आपकी हिदायत कर सके। और फिर अज़ीज़ाने गिरामी यही बात आपके सामने अर्ज कर रहे थे कि देखिए कायनात में अल्लाह का, अगर अल्लाह की ताकत और कुदरत और पावर को देखना है तो उसका जरिया इमाम है, इमाम है वक्त। सारा पावर सारी ताकत अगर आपको देखना चाहते हैं एक इमाम के उसे पाई जाती। अब मैं आपको तारीखी एक मिसाल ले आता हूँ और तारीखी मिसाल आप मुलाहिजा करें। आप जानते पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर अकरम जो है के बारे में मिलता है कि जब मक्के में अबू सुफियान का सामना हुआ और बड़े तमतराक से और बड़े जोश में पैगंबर की तरफ बढ़ रहे थे तो सहाबा ने मशवरा दिया कि अल्लाह के रसूल गुस्से में है और ये है वो है, आप अपने आप को बचा लीजिए। पैगंबर ने फरमाया जिसका बचाने वाला वो हो वो मेरा एक बाल सर का बाल उखाड़ दे तो मैं नबी नहीं, जाओ। एग्जैक्टली यही इमाम मूसा इब्ने जाफर अलैहिस्सलाम के साथ, एग्जैक्टली रात को हारून रशीद का पैगाम आपको बुलाया। अच्छा अब रात काफी गुजर गई हो आज और एक ऐसी वहशी आदमी जालिम इंसान बुलाने वाला हो तो जो आपके अतराफ में है वो तो यकीनन खौफ ज़दा हो जाएंगे। जब इमाम जाने लगे तो सारे लोग परेशान हैं, साहबी मौला आप ऐसे वक्त में उसे बुलाया है, और इमाम ने कहा मेरे जद नबी अकरम ने अपने दुश्मन के लिए एक जुमला कहा था, वही जुमला मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ, अगर वो मेरे सल का एक बाल भी बाका कर सके तो मैं इमाम नहीं हूँ। आप देखिए इमाम क्या बताना चाहता है कि दुनिया में हमारी मुखालिफत कोई करना चाहे तो उस वक्त तक कर सकता है जब तक हम इजाजत दें, उसके बगैर हमारी वो मुखालिफत तक नहीं कर सकता। ये एक अलग बात है कि खुदा ने जो पावर दिया है वह पावर हम कभी अपने अख्तियार से अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते, करते ही नहीं। लेकिन अगर चाहे ले, अगर चाहे ले तो मैंने कहा इमाम मूसा इब्ने जाफर फरमा दे दे लोग, आप अगर उनके इमाम की जिंदगी को देखिए तो अक्सर जेल में गुजरी, उसके बावजूद ये जुमला कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत वाज़ेह था कि हम जेल भी जा रहे हैं तो हमने इजाजत दी है कि वो कैद में डाल दे, वरना उनकी ताकत नहीं थी, वो बेबस और मजबूर थे। अच्छा आप थोड़ी सी इसी बात को मैं किसी एक और पहलू से आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। आज मेरा और आपका क्या है, एक कमेटी बनाइए, एक अंजुमन, अब ऐसा बनते हुए है पांच आदमी हो और उस पांच आदमी में
एक आदमी कहे भाई देखो तुम सब से मुझे इख्तलाफ है, आज के बाद यहां कदम नहीं रखूंगा, तो गैरतमंद होगा तो क्या है, एक बार कह देगा इस शूरा से मैं बाहर निकल रहा हूं और मैं कभी अब इस शूरा में शरीक नहीं होगा, है ना। तो गैरतमंदी क्या है, गैरतमंदी अब वो वाकई ना है, है ना। लेकिन हम दुश्मन अहले बैत के बारे में देखते हैं जिन लोगों को शदीद दुश्मनी थी वही उन्हीं लोगों से अल्लाह ताला ने ये कहलवाया अगर आप ना होते तो हम हलाक हो जाते थे, जो देखना नहीं चाहते थे उनको, है ना। आप तारीख में देख लीजिए जिनको शदीद नफरत थी, बुग्ज़ उनके दिलों में भरा था, वही क्या कह रहे थे, लौला अली। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बहुत वाज़ह है कि अल्लाह कहता है कि इन जिनको हमने इमाम बनाया है वो आगे रहेंगे, तुम्हें पसंद आए तो भी तुम्हें पसंद ना आए तो भी, उनका हमने उनको आगे रखा है वो आगे रहेंगे। अब और इसी के मुकाबले में आप देखिए एक और अजब खसूसियत है इसमें, आप पूरी तारीख में देख लीजिए जिनको अल्लाह इमाम बनाता है वो किसी भी मुश्किल में किसी गैर के दरवाजे पर नजर नहीं आएंगे, किसी के दरवाजे। कोई एक आप में से, कोई बड़ा आप में से क्या कोई दुनिया का आदमी ये बता दे कि इमाम किसी के दरवाजे पे गए, मैं एक मुश्किल में गिरफ्तार हूं, आओ मेरी मुश्किल हल करो, नहीं। अच्छा कभी आप सोचते हैं या नहीं सोचते कि अल्लाह ऐसी खसूसियत और उनको कमाल क्यों अता किया, है ना। एक सवाल है कि भाई क्यों अल्लाह ने उनको, कि आज हम देखते हैं सारे इंसानों को उनकी जरूरत है और उनको किसी की जरूरत नहीं, इसीलिए सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए तो भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी दुनिया दोस्ती के दम भरने लगे तो भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बताना चाहते थे कि हम वो सिफात इलाही का मजार है, अगर खुदा गनी है तो उसकी गिना को देखना है तो हमारे वजूद में देख लो, हम है जो तुम्हें अल्लाह के गनी मुतलक होने का अमली सबूत फराहम करेंगे, कोई और नहीं है। हो अब मैंने कहा कि मैं चाहता हूं एक दो मिसालें आपके सामने जिक्र करूं और एक संगीन मसला जिक्र करना चाहता हूं, सख्त मसला, पहले दिन से कह रहा हूं सख्त मसला एक जिक्र करना चाहता हूं, लेकिन पहले से ही कह रहा हूं समझ में ना आए 10 बार पूछने लगा। देखो इमामों की शान जो है ना, आज जितने भी हमारे पढ़े लिखे जो उलमा हैं वो डरते बयान करते हुए, इसलिए कि इमामों की शान बहुत अलग है। अब मैं एक मिसाल ले आऊं, आपका मेरा ईमान हिल जाएगा, हमारे पैरों में लर्जिश आ जाएगी। अब एक मिसाल दे के लिए, पांचवें इमाम ने और छठे इमाम ने, तकरीबन इमाम चहारुम से लेके बकिया जो इमाम हैं, उन्होंने अजादारी को प्रमोट करने के लिए तरह तरह का काम किया है, ठीक है। एक मिसाल उसकी है कि शायरों को शौक दिलाना, ठीक है, मरसिया कहो हमारी शान में, हमारे अहले बैत की मुसीबत में मरसिया कहो, कसीदे कहो, इसी तरह जाकिरों को मसल प्रमोट किया। अच्छा दुनिया में कोई ऐसा आदमी तो होता नहीं था जो मसलन इमाम के पास जाए और खाली हाथ वापस आ जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। अब एक बंदा आया इमाम पंचम के पास, चाहने वाला है, इमामत का कायल है, मैं इमाम के शौनात में से एक बता रहा हूं कि देखिए आपको और मुझे इमामों को समझना है ना, तो आपको अल्लाह से दुआ करना है, ए अल्लाह मैंने एक जगह इमाम समाज की दुआ में भी देखा, ठीक है,
ये बाकायदा दुआ का फिक्रा है, ऐ अल्लाह अपने वली की मारिफत हमें दे दे, हमारी ताकत नहीं है, ये तेरी ताकत है कि उनकी मारिफत हमारे वजूद के हिसाब से दे दे। ठीक है, अब आप कभी सोचिए कि भाई ये जो कह रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत वाज़ेह है, उनका मर्तबा बहुत बड़ा है और हम बहुत छोटे हैं। ठीक है, अब जब हम बहुत छोटे हैं वो बहुत बड़े हैं, तो अब जाहिर सी बात है इसमें कैसे जो है हम वहां पहुंचना चाहे तो कैसे पहुंचेंगे? बस एक ही रास्ता है कि आप अल्लाह से कहिए ऐ अल्लाह उनकी मारिफत का एक हिस्सा मुझे दे दे। ठीक है, अब हदीस में आना चाहता हूं, वो बात दूना मैं वरना किसी और तरफ निकल जाऊं। एक बड़ी परेशानी ये भी है कि कहते कहते बात समझाते समझाते कहीं और निकल गए और बात पीछे रह जाती है। एक सलवात पढ़िए, मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले ये सलवात इस ये सलवात इसलिए भी पढ़ा करें, बहुत मैं दवा तलब नहीं करता हूँ लेकिन इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है कि हम मारिफत अहले बैत को हज़्म करने के लिए ज़मीन तैयार कर सकें। यह सलवात क्या करती है? मेरे दिल के दरीचों को खोल देती है कि हम वो मारिफत ले लें। तो अब वो बंदा आ गया इमाम के पास चाहने वाला है, उसका मौला बहुत परेशानी में हूं, इस हद तक परेशानी में हूं मेरे आका कि अब मेरे लिए रोटी रोजी रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया मेरे और मेरे बच्चों के लिए। अच्छा इमाम ये कह दे कि भाई तुम्हारे वहां फाके हो रहे हैं मेरे वहां भी हो रहे हैं। इमाम ने एग्जैक्टली रवायत है, इमाम ने उससे कहा कि हाँ अल्लाह तुम्हारी परेशानी दूर करेगा, यही हाल हमारा भी है, हम फाके कर रहे हैं। इतने में एक शायर आ गया, इतने में एक शायर आ गया, उसने वो मौला कसीदा करके लाया हूं, फरमाया हाँ सुनाओ बिस्मिल्लाह। अब उसने पूरा कसीदा, ये भी बैठे हैं और इमाम भी और इमाम के अब जाहिर सी बात एक बैरूनी है साहबी और भी बैठे, ये भी बैठे और शायर भी आ गए, इमाम ने कहा सुनाओ, उसने कसीदा सुना दिया। इमाम ने अपने गुलाम से कहा जाओ 10,000 की थैली फला कमरे में इसको लाके दे दो, 10,000 दिरहम की थैली है, जाओ कमरे में फला जगह इसको लाओ इसको दे दो। वो गुलाम गया 10,000 की थैली लाके, अभी देखिए सिक्का हो चांदी का हो तो 10,000 तो काफी बड़ी थैली हो जाएगी ना। उसने बोला एक और मैंने कहा है, कहा वो भी सुना तू बिस्मिल्लाह। ये भी शायरों की खसूसियत है, अगर कहा है तो सुनाए बगैर नहीं रहेंगे आप, चाहे खुद ही चाय पिलाएं लेकिन आपको सुनाएंगे जरूर वो, लेकिन वो मौला है। उन्हें कहा लाओ सुना, उसने वो कसीदा फिर से सुना दिया। तीसरी बार इमाम ने कहा गुलाम से जाओ थैली लाओ इसको दो, 10,000 की थैली। गुलाम गया अंदर 10,000 की थैली वापस ले आया, उसने बोला एक और कहा है, मैंने कहा जो है सोचा कि शायद वो तीन ही व्यक्तवा किया है, हम होते कहते बोला रात भर सुनाएंगे आप या दिन भर सुनाते रहेंगे, इतना अगर आमदनी का जरिया हो है ना। एक सवाल यही से पता चलता है कि मधे अहले बैत इंसान की इकोनॉमिक को तरक्की का सबब है, इसमें नहीं हो सकता कि उनकी आप उनके लिए कोई चीज खर्च कर दे और वो वापस आपको ना करें, वो अल्लाह की जात के बजार है। हो अब वो तीसरा सुना है तो 10,000 थैली और आ गई। अब उसने तीसरे के बाद नहीं कहा मौला एक और है, उसने जब ये तीनों शेर कसीदा सुना चुका तो उसने कहा मेरे आका मैंने ये इस खुलूस से कसीदा कहा था और इस खुलूस से आपको सुनाने आया था
कि आपके लबों पे मुस्कुराहट आ जाए, आप खुश हो जाएं। बस मुझे ये पैसे की ज़रूरत है, मेरे मौला मेरा खलूस कहीं ये पैसे में गड़बड़ ना हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, आप मुस्कुरा दिया, बस मुझे यही चाहिए था, मैं आपको खुश कर सकूं। ऐ मेरे आका, ये शेर मैंने आपको जितने भी सुना है उसका एक ही मकसद था मेरे आका कि आप मुस्कुरा दें, और आपने मुस्कुरा दिया। बस बोला आप इजाज़त दें, ये जसारत नहीं करूँगा कि मैं वापस कर रहा हूँ, मगर ऐ मेरे आका दुनिया की मोहब्बत इसमें शामिल ना हो इसलिए ये वापस ले लो। मामला अच्छा ठीक है, गुलाम से कहा ये थैली ले आओ वापस रखे, शायद चला गया। आप और मैं होते तो क्या होता, ये बताइए। मैं जसारत ना करूं किसी के लिए कहना तो शायद ठीक ना हो, लेकिन सच्चाई है ना कि हम बाहर निकलते थे कहते थे आज हम इमामती छोड़ देंगे, है ना। हम क्या क्या फर्ज कर लेते, हमारे जहन में क्या क्या आ जाता था माशाल्लाह, है ना, नऊज़ुबिल्लाह वाकई क्या क्या तसव्वुर। ए इमाम को देखो हमसे कह रहे हैं कि हम तुम्हारी तरह फाके कर रहे हैं, और 30,000 दिरहम देने को लिए किसको है, एक शहर को, आप इसकी तौजी क्या करेंगे। लेकिन वो इमाम है, वो तो मशीयत खुदा का मरकज है ना, उसको पता है किसको कैसे हिदायत करना है। शायद चला गया और इमाम ने इंतजार किया कि बकिया जो लोग थे वो भी चले जाए, इसे कहा तुम बैठो, तुम बैठो, तुम बैठो, बैठा रहा। सब चले गए तो उसका हाथ पकड़ा, उस कमरे में आए, फरमाया यही कमरा है जहां कहा था कि 30,000 10,000 की तहरी लाओ, 10 तुम्हें यहां कुछ दिखाई देता है। उसे नहीं बोला यहां तो कुछ भी नहीं। फिर तारीख कहती इमाम ने चटाई उठाई, चटाई उठाई और पैरों से अपने ठोकर मारे और जमीन फटी। तो अब देखो, अब देखो, तो उसने जब देखा तो उसका मौला यहां तो जमीन में तो खजाने ही खजाने, एकदम चारों तरफ से ईंटें ईंटें ही रखी हुई और सब सोने की ईंटें। फरमाया जो हमने कहा था वो सच था, लेकिन अल्लाह ने हमें वो पावर दिया है कि जब जबान से कोई चीज निकलती है तो हकीकत में वजूद में आ जाती है, अगर मौजूद नहीं रहती। हमारा ये जुमला 10,000 लाओ, अगर कहते 10,00,000 लाओ रो तो इसी कमरे से 10,00,000 निकल के आता था। क्यों? इसलिए कि हमें अल्लाह ने वाजिबुत्ता बनाया है, हमारी जबान से निकले और वो चीज वजूद में आए। तो तुम गम ना करना, जो हमने कहा वो सच है। लेकिन यहां पर एक मसला कुल, और हम जानते थे उसको पैसे नहीं चाहिए, हम तो पहले से जानते हैं उसको नहीं चाहिए, हम तुम्हारे सामने लाके बताना चाहते थे देखो इमामत वो है जिसके पीछे पीछे चलना है, अपनी सोच को उसके हवाले कर दोगे तुम हकीकी चाहने वाले बन जाओगे। एक सलवात पढ़िए, मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक मिसाल आपके सामने इसके लिए आता हूं। अभी नमाज खत्म हुई है ना, नमाज में हर, बल्कि नमाज क्यों, हर इबादत में एक शर्त है अल्लाह ने रखी, कुर्बतन अल्लाह, है ना, हर इबादत में शर्त रखी। हत्ता इस जगह पे आप बैठे हैं ना, इसमें भी शर्त है कि आप फर्श अल्लाह में बैठिए तो कुर्बतन अल्लाह। अब आज ये भी अजीब चीज है, फर्श अज़ाब पे हर आदमी अपनी इबादत कर रहा होता है, ना मैं ना आप, हर एक, और हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम। लेकिन अगर यही आए किसी को दिखाने के लिए मैं आया हूं मजलिस में, तो यही इबादत क्या बन जाएगी, इबादत खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप फर्श अल्लाह में अपने कपड़े दिखाने आया हूं, वही क्या हो जाएगा,
यही इबादत बदल जाएगी आपकी। नमाज में भी यही है, आप इसी आ रहे हैं, आपने देखा कोई आने वाला है, आप आखिरी रकात आखिरी सजदे में थे, एहसास हुआ कोई आ रहा है, एक सुभान अल्लाह उसके लिए भी कह दिया, एक पूरी इबादत फिर से पढ़ लीजिए, नमाज बातिल है आपकी, इसलिए कि आपने इस नमाज में क्या किया है, शिर्क किया है। आप फिर से नमाज पढ़िए, बिल्कुल उसी तरह से कोई एक चीज में, किसी भी इबादत में जैसे ही नियत में थोड़ी सी खराबी पैदा हुई, वो नमाज क्या हुई, फातिहा पढ़िए, फिर से पढ़िए, फातिहा पढ़िए नहीं, फिर से पढ़िए। आप इसी तरह किबला, अभी एक बात देखिए, कर्बला में गए हम और इत्तेफाक कभी कभी होता है ऐसा सीन आया, अब नमाज के लिए बैठे थे, एक आदमी अपना बच्चा लेकर आया और उसे बच्चे को अपने पास खड़ा कर लिया, बैठने की जगह भी थी, उसे वो छोड़ा और अल्लाह अकबर कहके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और नमाज शुरू हो गई, वो बच्चा उठ के चला गया, उसने वही उसी जगह से आवाज़ी या अल्लाह कुम बस, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और शुरू हो गया। अब तो हमारे लिए एक नई मुसीबत आ गई, नमाज पढ़ हो रहा है, मुसीबत मुझ पर नाजिल होने वाली है, कैसे? अब जो नमाज है मैं सोचने लगे इसको कैसे बताऊं तुम्हारी नमाज बातिल है, किसी के ऊपर आप डायरेक्ट कह दिए तुम्हारी नमाज बातिल है, वो चढ़ बैठेगा आपको कहे तुम्हारी नमाज बातिल, ठीक है। अच्छा अब मैं सोच रहा हूं इसको कैसे कहूंगा, भैया नमाज में एक सेंटेंस अपनी तरफ से जब कहोगे काम खत्म हो गया नमाज का, आपको फिर से नमाज पढ़ लेना है। अच्छा आप बैठे, नमाज खत्म हुई, उसने हाथ मिलाया और देखिए अल्लाह की मेहरबानी, मैं सोचता हूँ ये अल्लाह का लुत्फ करम था, उसने क्या किया, इत्र पेश किया। जब इत्र पेश किया तो मैंने इत्र लिया, तो मैंने कहा कि देखो एक बात आपसे कहना है, तुम्हें अल्लाह बरकत दे, इसी इत्र के जरिए तुम इमाम हुसैन के हरम में इत्र दे रहे हो, एक तोहफा दे रहे हो, वो भी खुशबू जैसा तोहफा है, तो अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत अदा करे। मैंने उसको दो चार दुआएँ दी, जब दुआएं दे चुका तो कहा भाई नमाज फिर से पढ़ लेना, तो उससे कहा क्यों, मैंने कहा तुमने नमाज में अपने बेटे को नहीं बुलाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाम लेके कहा, उसे हाँ 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 सैयद तुमने सच कहा, लेकिन इंसान को शर्मिंदगी होती है, फौरन वहां से उठा फोन चला गया। मैंने कहा मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, एक लफ्ज पूरी नमाज को बातिल कर दिया। नहीं आप इसी तरह पूरे, आप तीन रकात नमाज पढ़ रहे हैं, चार रकात नमाज पढ़ रहे हैं, आखिरी रकात पढ़ रहे हो, इतने में दक्कुल बाब हो, घंटी बजे, आप मुड़ के देख लीजिए तो क्या होगा, नमाज फातिहा पढ़ी है, फिर से पढ़ी है, और क्या, आपने इन्हराफ़े क़िबला कर लिया है ना। तो जिस तरह आखिरी लम्हे में अगर आप क़िबले से मुनहरिफ हो जाए तो आपको नमाज फिर से पढ़ना पड़ेगी, उसी तरह ईमान का क़िबला अहले बैत है। अगर आपकी नीयत में खोट आया कि हमारे लिए इमाम नहीं है एक सेकंड के लिए, या इमामत में किसी को शरीक किया, तो फिर से कलमा पढ़िए। आप और मेरी जो है ना ईमान की कोई वैल्यू है और ना ही, इसीलिए आना चाहता हूं, जुमला कहना चाहता हूं, और थोड़ा मैंने कहा था पहले से, कभी कभी आप अगर नहीं समझ सके तो जरूर पूछिएगा। आप कुर्बतन अल्लाह कह रहे हैं ना, और याद रखिए जितना भी कुर्बतन अल्लाह कहते रहिए, आपकी जबान थक जाए, आपका वजूद घिस जाए, आप अल्लाह से करीब नहीं हो सकते जब तक अपने इमाम से करीब ना हो। इसलिए कि कोई नमाज उनके बगैर कबूल ही नहीं होती। और दलील आप सुनना चाहते हैं, मैं एक सेकंड में आपको दलील सुना दूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन। इत्तकुल्लाह का मतलब ही इमाम ने क्या बताया, वाजिब तुम जब अदा कर रहे हो तो मुत्तकी हो, मुस्तहब नहीं, वाजिब अदा कर रहे हो तो मुत्तकी हो। और फिर क्या अल्लाह कह रहा है, ईमान लाने वालों वाजिब अदा किया तो इमाम के साथ रहो,
वरना तुम्हारी वाजिब का कोई मतलब नहीं, तुम्हारे असल वजूद का कोई मतलब नहीं। अब यहीं से देखिए कितनी अजीब शान है खुदा ने, खुदा ने जो इन इमामों को बनाया ना, उनको एक ऐसे कमाल से नवाजा, एक ऐसी चीज से नवाजा जिसका मैं और आप तस्वीर नहीं कर सकते। मैंने कल भी एक बात आपसे कही थी, मैं एक मिसाल दी थी, मैंने दो सिफत, एक इल्म देख लो, दुनिया में आज बड़ी तरक्की हो गई नो डाउट, लेकिन उनके इल्म के मुकाबले में दुनिया जो है क्या हो रही है, अभी भी जीरो है। मैंने कल एक दो मिसालें आपके सामने पेश की कि देखो उसकी दलील ये है कि ये जो हम कह रहे हैं कि उनके इल्म के सामने आज भी दुनिया फेल है, उसकी दलील यही। अब आज जो है एक दूसरी सिफत भी गई थी मैंने, कहा मैं एक मिसाल मैंने दिया कि उनको जो है सदाकत, कल मैंने ये बात की कि भाई सदाकत भी उनकी देख लो, उनकी सदाकत आज भी एक जुमला कहा कि उनकी सदाकत इस तरह है कि दुनिया में जो चीज मौजूद है वो तो है ही है, अगर कह दे तो इताअत करेगी, जो चीज नहीं है कह दे तो भी इताअत करेगी, ये उनकी शान है। हो अब एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, आपके और मेरी वैल्यू क्यों नहीं है आज बगैर इमाम के, बगैर वली खुदा के हमराही के, आप तो रमखा भी हो ना तो अल्लाह की निगाह में जीरो हैं। आप कुछ भी बनना चाहते हैं बन जाइए, अगर इमाम की हमराही नहीं है तो आप दुनिया में फिरौन बन सकते हैं, शद्दाद बन सकते हैं, जो चाहिए बन सकते हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह का बंदा नहीं बन सकते। अल्लाह का बंदा बनने के लिए एक ही शर्त है, वली खुदा आपके साथ हो, आप हो नहीं वो आपके साथ हो, आपको तो जाना है वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अब एक मैं चाहता हूं इसके एक एक मिसाल, तो मैंने कहा था कि एक बड़ी जो गहरी बात कहना चाहता हूं, आले इमरान 18 नंबर की आयत पढ़िए, पढ़िएगा जरूर। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है ना, कुरान और अहले बैत, मैंने कल एक बात कही थी और बीच में बात रह गई थी कि अल्लाह के रसूल ने कहा है ना मेरे अहले बैत कुरान से जुदा होंगे ना कुरान अहले बैत से जुदा होगा, और मैंने मिसाल भी दी थी लेकिन मैंने वजाहत नहीं की। मैंने कहा था कि देखिए आज भी ऐसा है कि अगर इमाम जमाना ना होना तो कुरान की आयतों को तफसीर नहीं मिलेगी, अब वो कुछ करेंगे तो आयतों की तफसीर होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आए नजवा नाजिल हुई तो अमल करने वाले सिर्फ अली हैं, सिर्फ मुसलमानों में, और इसी तरह अली ने अमल किया तो आयते विलायत नाजिल हुई, उसके बाद हजारों ने दिया लेकिन आयते विलायत तो नहीं आई, है ना। तो अली वो है कि अगर आयत नहीं है कोई काम कर दे तो आयत बन जाएगी, और अगर आयत है तो अमल करे तो उन्हीं से तफसीर हासिल होगी। याद रखे कुरान कभी अहले बैत से जुदा नहीं होता, इसीलिए तो कहा था कि आओ बताओ हम तुम्हें बताएंगे कुरान में हर चीज कहां है, ये सिर्फ हम ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता, ये सच्चाई भी है। आज भी कुरान से आप कितने भी बड़े आलिम से पूछिए कि ये कहां है वो शायद ना बता सके, लेकिन यही सवाल जब आप इमाम वक्त से कहेंगे बड़ी आसानी से वो बता देगा, क्यों, इसलिए कि जिसकी शान में कुरान नाजिल हुआ है उनको अहले बैत कहते हैं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, अब जो बात सुना चाहे तो मैंने कहा 18 नंबर की आले इमरान की आयत सुनी, आपका अकीदा क्या है, हमने कहा पहली दुनिया में एक ही मसला है तौहीद और शिर्क, पहली मजलिस में कहा था जाहिर या दूसरी में कहा, ठीक है, दुनिया में एक ही मसला है तौहीद और उसी के मुकाबले में आता है शिर्क। तौहीद का मतलब क्या है, तौहीद अल्लाह एक है, सुन लिया ना आपने,
ये अल्लाह एक है आपको किसने बताया, है ना? एक सवाल, आपको किसने बताया कि अल्लाह एक है? आप और मैं कहेंगे अम्मा ने बताया, अब्बा ने बताया, या उस्ताद ने बताया, आप जो भी कहना चाहें मसलन यही तो कहेंगे ना, अल्लाह ने बताया, अल्लाह के रसूल ने बताया। और आप करे अल्लाह एक है, देखा था, देखा है किसी ने? देखा, देखा अल्लाह ने? अब जब नहीं देखा तो आप कैसे कह रहे हो है भाई? है तो देखिए, अब दुनिया में पहली अगर मजलिस से आते हो तो मैंने कहा था छह तरीका है इंसान के पास, छठे इमाम कहते हैं किसी भी मारिफत को हासिल करने के लिए छह तरीका। थोड़ा उलझाऊ ना, मैंने कहा था थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी मुश्किल बात सुनना चाहिए ताकि आसानी की आदत ना रहे हमेशा। देखिए जिंदगी में जितना स्ट्रगल करेंगे उतना तरक्की करेंगे। मैं अब इस मौजू पे एक दिन जरूर आने वाला हूं कि आप कभी सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? जिस हालत में इंसान अपना आपा खो देता है उस हालत में इमाम हुसैन क्या कह रहे थे, रजन बेकजाई तस्लीम अल-अम्र। नहीं जानते इसके पीछे राज क्या है? हमारे पास रवायत है कि अगर तुमने मुश्किल में खुदा को याद रखा तो अल्लाह उस मुश्किल को आसानी में तब्दील करे, उसका एक काम है कि किसी को भी मुश्किल में अगर उसको याद रखा तो वो उसको तब्दील करे, उसको आसानी में बनाए। तो जारी सी बात है, मुश्किल सुनेंगे तो आप क्या होगा, अल्लाह आपकी मुश्किल को आसान कर देगा, ये बहुत आसान है आपके लिए। तो अब एक बहस है कि हमने छह तरीका इमाम ने बताया, थोड़ा सा डर लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, अगर 5-10 मिनट ज्यादा हो मैं बाकी बातें कल आगे कर लूंगा। तो हमारे पास जो इल्म का एक जरिया सोर्स था वो क्या है, मैंने कल पहली मजलिस में कहा था, वो है सेंस, हवास, आंखें, कान, हाथ, दिल, अक्ल, है ना, ये सारे छह सेंस अल्लाह ने दिए। लेकिन इसमें एक परेशानी, हमेशा कहा जाता है भैया जो आपने कान से सुना है ना वो जरूरी नहीं सच हो जब तक आंख से ना देखो, ये तो मुहावरा है। ये मुहावरे में कहा जाता है कान की सुनी हमेशा सच नहीं होती जब तक आंख से ना देख लो। हम एक और आगे बढ़ के कहें अमा हमेशा आंख की देखी हुई सच नहीं होती तो कान की क्या होगी सच, है ना? तो अब ये जो सोर्स ऑफ इल्म है हमारे पास है, आज बच्चे को शायद और हम सबको इल्म का एक खजाना इसके जरिए से मिलता है, लेकिन यकीनी है ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि भाई मजाकी में सही कि एक आदमी की आंख में प्रॉब्लम था, हमेशा एक चीज को दो दो देखता था, तो कहीं कहीं तो बहुत अच्छा है भाई, एक चीज को दो देख लिए, 1000 को 2000 देख लिए तो बहुत खुश होंगे आप, लेकिन कहीं तो मुसीबत का सबब होगा। बीवी को देखा कहते तो माशाल्लाह दो दो है, फिर क्या होगा, मार खाने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये जो चीज है ये है या नहीं वजूद में? मैं आगे बढ़ जाऊं, एक है तारीख, तारीख भी है, अइमा हमारे फरमा देते तारीख भी एक सोर्स ऑफ इल्म है जो हम दूसरों के तजुर्बे से, एक मिसाल है कुरान ने हमें बताया मूसा का वाकया, हमको कैसे पता चलता अगर ये तारीख में ना गुजरा होता और अल्लाह ने हमें उसका जिक्र कुरान, तो एक तारीख, एक रास्ता उसका अक्ल भी है। लेकिन अक्ल का एक बड़ा आज मसला है, किसी के पास प्योर अक्ल हो तो वो समझेगा, हमने तो इस अक्ल को इतना ज्यादा गंदा कर लिया है कि वो अब बदी बातों को समझने से कासिर हो गई, तो दूसरे के बात तो छोड़ दीजिए। तो ये भी रास्ता नहीं हो सकता है कि भाई एक सुन्नत है रास्ता, सुन्नत बिल्कुल रास्ता है, लेकिन सुन्नत में कितनी परेशानी, आज एक हदीस लाओ तो अपने वाले लोग कहते हैं कि हमें तो समझ में नहीं आती, माशाल्लाह इतने समझदार है कि हदीस इमाम तो समझ में आती ही नहीं है। तो आप ये भी जान ले सकते हैं कि भाई वाकई है तो रास्ता, वो
तो आज इमामों में जल्दी से आ जाओ बात, वो सारा सिमट के आता है एक ही रास्ता, वही है इलाही, सिर्फ अल्लाह की तरफ से वही। अल्लाह ताला ने वही नाजिल कर दी, इससे बड़ा सोर्स, यकीनी सोर्स नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक बात है भाई, अगर आप चाहते हैं यकीनी इल्म हासिल हो तो उसका रास्ता। अच्छा, दो सिफत पाई जाती है हमेशा इसमें, एक तो यही है कि उसके इल्म, चूंकि वही का जो इल्म है उसकी कोई इंतहा नहीं है और उसकी जो है इस्मत के साए में है, तो गलती का भी इम्कान नहीं है। तो एक ही जरिया है वाकई इल्म के सोर्स का, वह वही इलाही, और वह है किसके पास? सीधे सा जवाब है, 14 के पास है, 15 कोई है नहीं। अब कुरान की आयत पढ़िए, मैंने इतनी देर आपको ये, आप ये पढ़िए, शहद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह की वहदानियत पर कौन गवाह है? खुद अल्लाह, वल मलाइका, और दूसरे कौन है? मलाइका, वो उलुल इल्म कायमन बिल क़िस्त, और वो साहिबान इल्म जिनका इल्म इतना मजबूत है और अदालत पर उस्तवार है, ये अदालत में नहीं मासूम भी हैं। उसके बाद क्या कहता है? अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु अजीजुल हकीम। अब आप मुझे बताइए, शहीदा का लफ्ज जानते हैं किसका माना होता है? शहीदा और शहीद दो लफ्ज इस्तेमाल किया है एक ही माना में अल्लाह ने, जनरली एक ही माना में, लेकिन शहीद में एक फर्क है, शहीदा में, शाहिद में और शहीद में एक फर्क है। शहीद कहते हैं कल्बी गवाही को और शाहिद कहते हैं आंखों वाली गवाही को, कुरान में दोनों माने में इस्तेमाल हुआ। ठीक है, अब अल्लाह के वहदानियत पे गवाह कौन है? मैंने आपसे कह दिया सिर्फ 14 मासूम, 15 नहीं है। आज दुनिया में अगर कोई कह दे, जो कहे मैं गुलामी करने को तैयार हूं, एक आदमी आप पैदा कर दीजिए जो ये कह दे कि मैंने जो है अल्लाह को देखा है, अगर देख लोगे तो तुम जो है मुशरिक बन जाओगे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं हमने तो देखा है, लेकिन वो शैतान को देखा है, रहमान को नहीं देखा है उन्होंने, इसलिए रहमान दिखाई नहीं दे सकता उनको। ठीक है, तो ये अब एक सवाल है कि अल्लाह कह रहा है कि गवाह है, गवाह है क्या मतलब है? उन्होंने देखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कैसे और क्यों कर, ये तो शायद हमारी समझ से बाहर है, हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है। मैंने कहा आले इमरान की आयत है, आप 18 उठा के देखिए, अल्लाह कह रहा मैं अपनी वहदानियत पर गवाह हूं, और कौन? मलाइका, और तीसरे सिर्फ अहले बैत, हत्ता मैं अंबिया के लिए भी उसी कुरान साहिब में इसके अंदर, तो अल्लाह ने कहा नहीं ये मेरे वहदानियत पर गवाह नहीं है, इनका इल्म उस तरह का नहीं कि वो, उनमें ताकत नहीं है कि वो अल्लाह की वहदानियत को गवाह शहदा की तरह, शाहिद की तरह हो सके। और शहादत आप एक बड़ा मौजू है हमारे वहां, आप कभी गवाही देने के लिए क्या है, इल्म यकीनी होना चाहिए, अदालत होना चाहिए इंसान के पास, हवास और जिस्म भी सालिम होना चाहिए, कभी गुनहगार ना हुआ हो, गुनाह ना किया हो, तो आप गवाही दे सकते हैं। हत्ता इतना भी है हमारे वहां कजावत में, जजमेंट के में, कि एक आदमी को इतनी अदालत होना चाहिए कि अगर मुजरिम दो पार्टी खड़ी है तो अगर 10 सेकंड एक को देखा है तो 10 सेकंड दूसरे को देखने वाला हो, अगर किसी को 12 सेकंड देखा तो इसकी अदालत खत्म, ये काबिल नहीं कि गवाही बन सके, गवाह बन सके। अब कहा भी यार मुझे बताइए किसने यहां देखा अल्लाह को? आपके पास एक ही जवाब है, वो जवाब क्या है? सादिक मुसद्दक नबी अकरम ने हमको कहा है कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना? इसके अलावा है किसी के पास? हमारे पास एक ही जवाब है कि अल्लाह ने, के रसूल ने आकर मदीने में आकर कहा है कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब बनोगे।
अब कोई और नहीं मिलेगा आपको जो कह दे कि मैंने अल्लाह को उस मंजर में देखा। खूब, अब दूसरी तरफ आना चाहता हूं। मैंने कहा 14 मासूम के अलावा 15वां मासूम कोई नहीं है जो अल्लाह की वहदानियत पर ऐनी गवाह हो। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाइए। रसूलुल्लाह की रसालत को किसी ने देखा? देखिए, मैंने आपको फंसा दिया है। आपका अकीदा जो है, अगर आपका अकीदा किस बात पे है, कह रहे अल्लाह एक है, है ना? दूसरा बुनियादी अकीदा क्या है? रसालत, है ना? और तीसरा कयामत, रसालत से इमामत आती है नहीं, और अदालत, कयामत से अदालत आती है। यही तो है पांच बुनियादी, पांच अकीदों में यही आता है। अब पहला अकीदा में खाली 14 है, 15वां कोई है ही नहीं। अब आ जाए कि नीचे आ जाइए एक कैटेगरी, रसूल की रसालत को आपने देखा है ना? मुसीबत में डाल दिया मैंने। अब मैं एक आयत पढ़ता हूं आपको, सूरह राज 43 नंबर की आयत पढ़िए। यकूलु الذين كفروا لست مرسلا, ए मेरे हबीब, ये काफिर है जो आपसे कहते हैं कि आप नबी नहीं हैं। यही तो है इसका तर्जुमा, यकूलु الذين كفروا لست مرسلا, ए मेरे हबीब, ये काफिर लोग कहते हैं कि आप नबी मुरसल नहीं हो। قل قل, ए मेरे हबीब, कह दो, कफा بالله شهيدا, अल्लाह मेरी रसालत के लिए काफी है। और मन इंदहु इल्मुल किताब, और दूसरा कौन काफी है? दूसरा कौन काफी है? जरा जोर से बोल दीजिए, है ना? मन इंदहु इल्मुल किताब। और आज तक दुनिया में 1447, आज अब के आ गए हम 45 में, है ना? 1445 में आ गए। आज तक कोई कह नहीं सका है कि इल्मे किताब मेरे पास है सिवाय अली के, कोई कह नहीं सका है। यह एक अजब बात है, बहुत बहुत फजीलतों के दावेदार तो हुए, लेकिन कोई यह ना कह सका कि इल्मे कुरान हम जानते हैं। कहने वाला एक ही था, सलूनी सलूनी कबला तफकदूनी। ठीक है, अब आप बताइए, आप और मैंने तो रसालत की भी गवाही देने के लायक नहीं है, तो देखे सर है भाई, देखिए आपने और मैंने, तो सच्चाई भी है, ये फैक्ट है, ये कि मैंने रसूल को रसूल बनते हुए नहीं देखा है, मैंने तो मौजदा भी नहीं देखा अपनी आंखों से, ना आपने ना मैंने नहीं देखा है। और जो लोग थे उस जमाने में, अल्लाह कह रहा है कि ये काफिर लोग हैं, इनको क्या पता रिसालत होती क्या है, ये उसी जमाने है ना, ये तो कुरान हमारे जमाने में नहीं, उसी जमाने में नाज़िल, अल्लाह उसी सूरह राज में ये कह रहे हैं कि नहीं, ये इनमें से सब काफिर है जो कहते हैं आप मुरसल नहीं है, और मैं गवाही देता हूं कि आप मुरसल है, नबी है मुरसल और अली। अब आज मुसलमानों से पूछता हूं, अगर अली वलीला ना पढ़ना हो तो ना पढ़ो, लेकिन रसूल की रसालत की गवाही अली के कहने की बिना पर ना दो भाई। गवाह तो एक ही है, रसूल की रसालत का एक गवाह, या अल्लाह या अली, दूसरा तो है नहीं। अल्लाह की देखो शान, देखो कहते जिससे ये भागते हैं उन्हीं के पीछे लाला उनकी मजबूरी बना दूंगा, ये अल्लाह का के नजदीक इनका मर्तबा। जितना इंसान चाहे भागना इमाम से भाग ले, लेकिन भाग सकेगा तो भाग लेगा ना। अल्लाह कहता मैं तुम्हारी मजबूरी बना दूंगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे मेरी खुदाई से तुम भाग नहीं सकते, ला युमकिनुल फरार मिन हुकूमतिक, उसी तरह इनकी इमामत से तुम भागना भी चाहो तो तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा गया कि भाग सकते हो। और कितनी अजीब बात है ना, मौला कहते भागते रहो, कब्र में आओगे तो पहला चेहरा मेरा ही तुम्हें देखना पड़ेगा, चाहे काफिर हो चाहे मोमिन हो, मोमिन होगा तो भी देखेगा, काफिर होगा तो भी देखेगा, है ना? कितनी अजीब बात, ये आए क्यों? बहुत सीधा सा जवाब है जी जानी गिरामी,
ये आप ये नुक्ता जरूर याद रखिए पूरी मजलिस का, ये महासल है, अल्लाह ने इन्हें वाजिब उत्ता बनाया इसलिए कि हिदायत इनके बगैर मुमकिन नहीं है, और अल्लाह को अपने बंदों की हिदायत करना है तो कैसे करे? ऐसे बंदों को लाऊंगा जिनकी खुसूसियत और कमाल यह होगा, इनको देखोगे तो खुदाई का धोखा होगा, ये खुदा नहीं है, ये मेरे बंदे हैं, लेकिन ऐसे बंदे हैं जिनसे कोई आदमी भागना भी चाहे तो भाग नहीं सकता, मानना या ना मानना तुम्हारे अख्तियार में दे दिया मैंने, लेकिन भागना चाहो तो तुम भाग नहीं सकते। आज कोई कहे मैं इमाम जमाने से भाग जाऊंगा, उसकी ताकत नहीं कि भाग जाए, ये तो इमाम जमाना इस्लाम की मेहरबानी है कि मुखालिफत करने के बावजूद उसको छोड़ दे, छोड़ो इसकी वैल्यू क्या है। अजीजाने गिरामी, यही वजह है कभी आप करबला को पढ़िए इस नजरिए से, कितना अजब था ना कि वो अकड़ रहे थे और इमाम की ताकत पे अकड़ रहे थे, और इमाम उनको बताने को भी तैयार नहीं थे कि तुम्हारे पास तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि हुसैन के एक इशारों का मुकाबला कर सकूं, नहीं। लेकिन इमाम आए इंसानों को परवरिश देने, इंसानों को ट्रेंड करने, उनको अपने अख्तियार से बाकमाल बनाने, उस कमाल बाकमाल बनाने के लिए हुसैन ने अपने सब्र को दिखाया कि देखो तुम सब्र करके इस मंजिल पे आ सकते हो। मनो मन बहुत आसान था। आज हमारे वहां शोरा कहते हैं कि इमाम को पानी की जरूरत नहीं थी, पानी को इमाम की जरूरत थी, लेकिन प्यासे रहे और बच्चों को प्यासा रखा इसलिए कि लोगों को सब्र सिखा सके। अजीजाने गिरामी, इमाम को नुसरत मददगारों की कमी नहीं है। आज आप कुरान पढ़िए, लिल्लाहि जुनूदु समावाति वल अर्ज, अल्लाह के पास तो इतने लश्कर हैं कि इंसान कम है अल्लाह के लश्कर ज्यादा है, और उन सब का तन्हा मालिक व मुख्तार इमाम वक्त। आप कभी सोच सकते जिसके पास इतना बड़ा लश्कर हो, इसीलिए रवायत में मिलता है पहली बार जब मौला ने कहा हल मिन नासिरिन यस्रना, तो फरिश्ते बारगाह खुदा में अर्ज करते गए अल्लाह हुसैन आवाज इससे खासा बुलंद कहा जिसको मदद करने के लिए चले जाओ, मैं कब मना कर रहा हूं, मेरी इबादत छोड़ो हुसैन की नुसरत करो इसलिए कि उसकी इताअत वाजिब है तुम्हारे ऊपर। आप देखो आज हमारे पास रवायत है जाफर जिन भी हजारों का लश्कर लेके वो कहते हैं करबला के कई किलोमीटर दूर खड़े थे, सदाए सगासा बुलंद हुई तो मैं वहीं से मौला बोला मौला मैं यहां हूं लश्कर लेके, आप फरमाइए आप इजाजत दीजिए इनको हम सेकंडों में खत्म कर देंगे। अजब जुमला फरमाया, उसे इनकी गैरत गवारा नहीं कहती कि तुम उनको देखो वो तुम्हें ना देखे, नहीं जाओ वापस जाओ, मुझे आज किसी की नुसरत नहीं चाहिए, मैं अल्लाह के इम्तिहान देने के लिए आया हूं, बंदों को जहालत से निकाल कर हिदायत की तरफ लाना है मुझे, और जब तक मेरी कुर्बानी नहीं होगी ये बाहर निकल नहीं सकेंगे, इनके दिलों में हलचल पैदा करना है, और यह हलचल पैदा होगी किस बिना पर, मेरी शहादत के जरिए से। लेकिन कैसा दर्दनाक मंजर था अजीजाने गिरामी, ये बीबी का अभी आपने मरसिया सुना, मैं वाकई बहुत कल मैंने आपके सामने इशारा भी किया था कि देखिए दुनिया में जहाँ भी आप रहें इंसानियत 1% भी अगर होना तो हमारे पास है, कहीं भी होती है तो बच्चों और औरतों के साथ बुरा सलूक नहीं किया जाता। आप कभी सोचिए कौन वहशी जानवर है एक प्यारी सी 4 साला बच्ची देखे और उसको तमाचे मारे, कौन ऐसा वाकन वैसी जानवर है उसको लूटने की कोशिश करे 4 साल बच्ची को, और वो बच्ची भी अहले बैत की कितनी समझदार थी, कहती थी अगर कुछ लेना है तो तुम कह दो मैं खुद उतार के दे दूंगी,
सैदानी हूँ, मेरे करीब ना आओ। मैं हुसैन की बेटी हूँ, लेटना लूटना चाहते हो, तुम्हें दुनिया की कोई चीज चाहिए बताओ मुझे। आज मैंने रवायत का जुमला देखा, खूली कहता है मैंने देखा कि जनाबे सकीना को चंद मलून घेरे हुए हैं और वो बच्ची पीछे हटती है। जब पीछे हटती है तो ये आगे बढ़ते हैं, तो कहती है तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, मेरा बाबा तो वैसे ही शहीद हो गया, मेरा बाबा तो नहीं रहा, अब तुम्हें चाहिए क्या। उन्हीं में से किसी मलून ने उस बुंदी की तरफ इशारा किया, कहते देखिए दुनिया में बच्चे घबरा जाएंगे जब, तो कहते बीबी उतारना चाह रही, हाथ कांप रहे। इस मलून को रहम नहीं आया, इसने जनाबे मुख्तार से कहा कि ऐ मुख्तार, मैंने देखा वो बच्ची बुंदा उतारने में देरी कर रही है, तो मैं आगे घोड़े से आगे बढ़ा कूदा और बुंदे को पकड़ के घसीटा। उस बच्ची ने आवाज दिया, बाबा आओ देखो, तुम्हारी सकीना के कानों से बुंदे चीर के उतार लिए गए। आप बताएं दुनिया में कहां होता ये, कौन सी इंसानियत है। अरबाब अज़ा, इसीलिए बीबी का जुमला है जनाब ज़ैनब का, भाई को बुलाया, भैया रोज हम देख रहे हैं ये मलून हजार दो हजार चार हजार का लश्कर आते हैं लाते हैं, तो ये हमारे खैमों के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाते हैं। भैया इनके घोड़े दहलाने चलाने से दौड़ाने से हमारा दिल दहशत में बढ़ जाता है, बच्चे डर जाते हैं। अरे भैया आप भी किसी मददगार को बुला लीजिए ताकि हम कह तो सके बेटा घबराओ नहीं, अगर दुश्मन की फौज में इजाफा हो रहा है तो हमारे चाहने वाले भी हमारी मदद के लिए आ रहे हैं। अजब है, इमाम ने सुना, मक्तल कहता है फौरन कलम दवात मंगाया, इमाम को तो जाहिर दिखाना है ना, खत लिखा, कई लोगों खत लिखा, एक खत लिखा हबीब इब्ने मज़ाहिर, और अजब फिक्रे लिखे इमाम ने, मिनल हुसैन इला रजुल फकीह, हुसैन की तरफ से एक मर्द फकीह के नाम। उसके बाद वाला जुमला बड़ा क़यामत का था जो मौला ने लिखा, कहा भाई हबीब ये खत लिखने की मैं खुद अपने आप को इजाज़त ना देता, मैं तुम्हें खत नहीं लिखता था, लेकिन ऐ हबीब मैं क्या करूँ, सानिया जहरा की फरमाइश, जहरा जाती चाहती है कि हम उसके मदद के लिए किसी को बुलाए। ऐ हबीब हम नैनवा में करबला में चारों तरफ नरगे आदा में गिर गए हैं, अगर हो सके तो मदद करो, अगर हो सके तो मदद को आओ। अरबाब अज़ा, इमाम ने यह खत कासिद को दिया, कासिद खत लेकर कूफे पहुंचा, उसने दक्कुलबाब किया, दक्कुलबाब किया, आवाज दिया हबीब ने, कौन है, मनिल बाब, जवाब दिया आना बरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूं। आप अंदाजा एक बात का कर सकते हैं, जब किसी को मोहब्बत होती है ना तो बहुत सारी चीजें खुद इंसान जान जाता है, और हबीब जैसा चाहने वाला हो। आज बास मक्तल में है, हबीब कहते दखुल बाब हुआ, मेरा दिल धड़कने लगा, मेरे आका की खैर हो, आए खत लिया, आंखों से लगाया, तारे कहती है खत पढ़ते थे रोते जाते थे, खाने में बैठे थे दस्तरखान पे, बीवी ने पूछा क्या है लिखा हो, कौन है, किसका खत है, कहा आका हुसैन का खत है, कहा हबीब क्या लिखा है, कहा मोमिना जहरा का लाल करबला के मैदान में गिर चुका है, हर तरफ से नरगए आदा की अलगार है, आका ने मदद के लिए बुलाया है, कहा हबीब इरादा क्या है, हबीब ने इम्तहानन कह दिया कि मोमिना तेरा और बच्चों का ख्याल आता है, उसने अजब जुमला कहा हबीब जहरा के लाल का ख्याल नहीं, जहरा जादियों का ख्याल नहीं, तुम्हें अपने अपने बच्चों की फिक्र है, मेरी फिक्र है, अरे हबीब तुम जाओ
अगर तुम नहीं गए तो मैं खुदा का की नुसरत के लिए जाऊंगी। ये सुनना था, हबीब ने दुआएं दी, गुलाम से कहा ये घोड़े को लेके फला जगह जाओ। लो अरबाब अज़ा, गुलाम लेकर गया, हबीब को पहुंचने में देर हुई। मैंने मक्तल में देखा है घोड़ा जमीन पर पैर पटकता था, और जब यह पैर पटकता था तो यह गुलाम कहता था घोड़े घबरा नहीं, मुझे पता है हबीब के आने में देर हो गई है, अगर तुझे लगता है कि आका की नुसरत को नहीं जाएंगे तो मैं तुझ पे सवार होकर जाऊंगा। ये जुमला सुना हबीब ने, एक बार करबला को रुक के फरमाया उसे तुम्हारी गुर्बत को सलाम, अरे जानवर और गुलाम भी तुम पर रहम खा रहे हैं। अरबाब अज़ा, इमाम हबीब करीब आए, गुलाम से कहा जा तुझे आजाद कर दिया, जा आजाद कर दिया, अब मैं जवाना होना चाहता हूँ करबला की तरफ। एक बार उस गुलाम ने पैरों को पकड़ लिया, आका जब तक अपनी खिदमत की बात थी मुझे अपने गुलामी के लिए इस्तेमाल किया, अब जब जहरा के लाल की बात आई तो मुझे छोड़ रहे हैं, मैं हरगिज आपसे जुदा ना होगा। हबीब ने बिठाया, लो अरबाब अज़ा दो जुमले सुनिए और मजलिस खत्म कर दी। मैंने रवायत कहती है उधर आका इंतजार कर रहे हैं, मेरा दोस्त आने वाला है, मेरा दोस्त आने वाला है। कूफे की तरफ से गर्द उठी तो एक बार अंदाजा हुआ शायद दुश्मन की फौज आ रही हो, लेकिन जब गर्द छटी और हबीब नमूदार हुए तो सहाबे हुसैनी ने तकबीर कहा। तकबीर का कहना था कि फिजा ने दरे खैमे पे आके पूछा शहजादों खैर तो है, किसी ने कहा बीबी को मुबारकबाद दे दो, अरे हुसैन का बचपन का साथी हबीब आका की मदद के लिए आया है। अरबाब अज़ा अदब अहले बैत देखो, जहरा की पाली जाई है, माँ जाई है, तरबियत याफ्ता है, अब जैसे ये सुना घबरा के फिजा से कहा फिजा हबीब ऐसे वक्त में आया है जब हम उसकी कोई खिदमत नहीं कर सकते, तो एक काम ये कर दो जाकर कह दो ए भाई हबीब, अरे तुमको हमारा सलाम और तुमने हम पर एहसान किया है। अरबाब अज़ा अरे फिजा सलाम लाई, हबीब जमीन पर बैठ गए, अमामा फेंका, मुंह पे तमाचे मारे, आवाज दिया हाय ज़हरा की लाडली ज़ैनब कुबरा गुलामों को सर। لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق سهرة وأبيها وبارها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمك يا الله ہمارے اس مختصر سی عزاداری کو قبول فرما اے میرے اللہ ہمارے آنسوؤں کو بیوی کے رومال میں جگہ عطا فرما اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے مولا ہمارے آقا کو ہم سے راضی و خشنود فرما اے اللہ ہم حاجت مند ہیں محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما مومنین جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ جو مومنین قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما اے اللہ جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کا حق انہیں بازیاب فرما ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما اسلام و شیعت کے پرچم کو سر بلند فرما کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگو فرما اے اللہ ہمیں اس دنیا میں نور آل محمد محبت آل محمد ہدایت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما ربنا تقبل منا ما تمہ حسین